कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है और गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने को कानपुर में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने फंडिंग इंडिया कानपुर परिवर्तन फोरम तथा फिक्की फ्लो के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 1000 राशन पैकेट हैं। इन्हें जरूरतमंदों को तथा शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को वितरित किया जाएगा। कानपुर से रामशंकर राय की रिपोर्ट। इस तरह पूरा एक आंदोलन लोगों ने खड़ा किया है कि किसी तरह इस शहर में भूखा न सोने पाए, इस शहर में आने वाले के सबके रहने और खाने का प्रबंध हो। इस दौरान जितने गांवों में जहां कहीं भी जो कोई लोग हैं सबके लिए बेहतर से बेहतर राहत की व्यवस्था हो, तो कानपुर के नागरिक इस समय प्रशासन के साथ मिलकर के फोर फ्रंट लाइन पर आज काम कर रहे हैं और कई सारे कम्युनिटी किचन चले हैं, अन्य मदों में जैसे पीपीई किट से लेकर के मास्क सैनिटाइजर और बहुत सारे मदों में लोग स्वयं आगे आकर के सहायता के लिए आगे आए हैं। सीएम पीएम रिलीफ फंड में, केयर फंड में या जिला स्तर के फंड में भी, और न केवल जो है धनराशि के रूप में वरन प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में लोगों ने बहुत मदद की। इसी क्रम में आज एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है फीडिंग इंडिया और परिवर्तन ने फिक्की के साथ मिलकर के कि लगभग 1000 आवश्यक वस्तुओं की जो है उसकी एक किट बनाई है आपने, और ये डेली 1000 किट जरूरतमंदों में बांटने का आपका संकल्प है, जो पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बना करके अलग अलग क्षेत्रों में जहां कहीं जिनके पास आवश्यक सामग्री नहीं है वो सब इसमें दिया जा रहा है। इसमें चावल, थोड़ा आटा, दाल, साबुन, सर्फ, अचार, नैपकिन जो महिलाओं की जरूरत की चीज है, ये सारी वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं। और इस तरह की चीजें कि कहीं कोई व्यक्ति जो योजनाओं से आच्छादित हैं, कई सारे व्यक्ति यदि नहीं भी आच्छादित हों किंतु गरीबी के उससे वो जहां संज्ञान में आता है, तो जनता का जो ये प्रयास है बहुत बहुत अभिनंदनीय है। साथ ही आज मार्बल एसोसिएशन ने, व्यापारियों ने भी अपना प्रतिवेदन दिया है, सहायता दी है। तो इस आंदोलन में जहां पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विजन के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां नेतृत्व में हमारा प्रदेश